दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अक्सर लोग कोई व्यापार करते हैं तो उसमें धोखा देते हैं, चीट करते हैं। किसी भी तरह से चीट करने के कई तरीके होते हैं। पैसा ले लिया, माल नहीं दिया, पैसा ले लिया, माल कम दिया, पैसा ले लिया, माल ख़राब दिया, पैसा ले लिया, माल दिया ही नहीं। इस तरह से कई सारी की चीज़ें होती हैं जो ऐसा लोग करते हैं। तो आज इस पर चर्चा करते हैं, क्या ये सही है या क्या गलत है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई लोगों की फितरत होती है ऐसी कि वो किसी चीज़ का व्यापार करते हैं तो अलग अलग ग्राहकों को फंसाते हैं, नए नए ग्राहकों को फंसाते हैं और पैसा लेके माल नहीं देते हैं, ख़राब देते हैं, कम देते हैं या जो है इस तरह के काम करते हैं। तो क्या ये सही है? दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार एक कमिटमेंट होता है ना, एक तरह से एक भरोसा होता है, भरोसा जीतने का काम होता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं किसी के साथ में तो उसका भरोसा जीतिए। जब पार्टी का भरोसा आपके ऊपर बन जाता है तो आप उनको कहकर किसी भी तरह का माल दे सकते हैं, वो आपसे लेगी। जब आपके साथ संबंध बन जाएंगे, आपको रेट बढ़ा के देगी, आपका माल अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी तो वो आपको अच्छे रेट देगी, है ना। और मार्केट में हर तरह के ग्राहक हैं, ख़राब माल के भी ग्राहक हैं, अच्छे माल के भी ग्राहक हैं। लेकिन जो ख़राब माल बेचते हैं या जो लोग इस तरह से काम करते हैं वो लंबे नहीं चलते हैं। सोचिए, अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एयरटेल और अंबानीज वगैरह की, और ये सब लोग भी अगर इस तरह से लगातार स्टार्टिंग से ही चीट करते हैं, आज कर रहे हैं, बड़े लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर जो एंड यूजर है उसको सर उसके लिए मतलब वो ध्यान देते हैं, उसकी सर्विस पे उसे अच्छी सर्विस मिले, उसके पास प्रॉपर वो चीज़ पहुँचे, उसके लिए ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही अगर आप लोग करेंगे, जैसे कि आप जो लोग ऐसा करते हैं, गलत करते हैं, यदि वो लोग इस तरह से करना बंद कर देते हैं तो वो भी बड़ी कंपनी बन सकती है। सैकड़ों बार ऐसा होता है, लोग डुप्लीकेट माल बनाना शुरू कर देते हैं। मार्केट में इंडिया में डुप्लीकेट माल बहुत बन रहा है, हर चीज़ का माल, खाना पीना, पहनने ओढ़ने की चीज़ हो, मोबाइल हो, कुछ भी चीज़ हो, खाने की, पान मसाला हो, घी हो, दूध हो, तेल हो और ना जाने क्या क्या, हर चीज़ का डुप्लीकेट मौजूद है और धड़ल्ले से चल रहा है। और असली के साथ साथ, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत है तो उसमें डुप्लीकेट माल आराम से खप जाता है उन लोगों का। लेकिन ये सब करना नहीं चाहिए, इससे आप पैसे तो कमा लोगे, क्षण भर में आप पैसे तो कमा लोगे, पैसे वाले बन जाओगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन आखिरी जो समय होता है वो ख़राब होता है। कभी लपेटे में आ गए, कभी फंस गए, तो बहुत बुरा होता है, बहुत गलत होता है। जितना कमाया होता है ज़िंदगी में सब निकल जाता है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमें अगर व्यापार शुरू कर रहे हैं, व्यापार हमारी रोजी रोटी है, हमारी माई बाप है, हमारा माँ है, हमारा बाप है, ये जो हमारा काम है, जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो वो बिज़नेस आपका माई बाप है। तो आप अगर बिज़नेस से चीट करोगे या बिज़नेस से आप धोखा करोगे तो ये बहुत ही गलत होता है और वो काम लंबा नहीं चल सकता। ये मेरी गारंटी है, वो काम लंबा नहीं चल सकता है और ना ही लंबा चलता है। तो इसीलिए आप काम कर रहे हैं तो कस्टमर से जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट को निभाइए। अपनी, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप होलसेलर के साथ जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट करिए, होलसेलर हैं तो रिटेलर के साथ, रिटेलर हैं तो कस्टमर के साथ अपना सारा कमिटमेंट पूरा करिए। आप बेईमानी करेंगे तो वो लंबे नहीं चलते हैं। यदि आपको व्यापार में सफल होना है तो कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो लाऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।